हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में। ओके, सो क्यूब जो है काफी इमेजिनरी टॉपिक है। इसमें आपको जो चीजें हैं डायग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको सोचना पड़ेगा। ओके, और इसमें हम जो भी टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। ओके, उसके बाद हम डाइस करेंगे ना, तो सबसे पहले हम इसमें क्यूब्स करेंगे। ओके, अगर आपके फ्रेंड्स को भी इस टॉपिक में डाउट है तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे जो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। ओके, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ क्यूब, ठीक है, और बाकी ये डाइस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो अगर हम क्यूब की बात करें, ठीक है, तो क्यूब हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसमें जो कि सिक्स स्क्वायर से मिलकर बनता है, राइट। इसमें हमारे पास सिक्स फेसेस होते हैं, हमारे पास 12 एजेस होती हैं, एजेस क्या होती हैं, साइड्स, ठीक है, और हमारे पास 8 इसमें कॉर्नर्स होते हैं, राइट। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्यूब का। ओके, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखिए, ये हमारे पास 3x3 क्यूब है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो 3x3 क्यूब है इसको कट करके हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको डिवाइड किया ना। जैसे आप अगर ये क्यूब देखें तो ये हमारे पास छोटा क्यूब है, राइट, जिसको हमने ये बड़े क्यूब को कट करके हमने छोटे छोटे जो क्यूब बनाए हैं इक्वल साइज के, राइट। तो ये हमारे पास एक क्यूब है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास 3x3 क्यूब है तो उसमें हमारे पास टोटल छोटे छोटे जो क्यूब हैं वो कितने होंगे, है ना, 1x1 वाले। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है ना, ये वाली जो फर्स्ट लेयर आप देख पा रहे हैं, इसमें कितने क्यूब्स होंगे हमारे पास, 9 क्यूब्स होंगे। तीन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तीन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तीन आपको, ठीक है, तो फर्स्ट लेयर में कितने होंगे, 9। ऐसे ही सेकेंड लेयर में भी हमारे पास 9 होंगे। ओके, ऐसे ही थर्ड लेयर में भी हमारे पास 9 होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 27, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्यूब की फॉर्म में होंगे, लाइक 3 क्यूब हमारे पास कितना होता है, 27। ओके, तो 3x3 का अगर क्यूब है हमारे पास, उसमें टोटल हमारे पास स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे, 27। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4x4 का अगर क्यूब है तो उसमें टोटल क्यूब्स कितने होंगे, उसमें टोटल क्यूब्स कितने होंगे, 4 क्यूब, ठीक है। आप जानते हैं कि 4 क्यूब कितना होता है, 64। ऐसे अगर मैं बात करूं 5x5 की, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास टोटल जो क्यूब है वो कितने होंगे, 125, क्योंकि 5 का जो क्यूब है वो हमारे पास 125 होता है ना। तो ये था पॉइंट नंबर 1, राइट, दैट इज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। अब देखो, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जैसे कि कॉर्नर क्यूब्स, राइट। जैसे अगर आप देखें तो ये वाले जो क्यूब्स है ना, जो कॉर्नर्स पे हैं, हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट, तो इनको हम कॉर्नर क्यूब्स बोलते हैं ना। ये हो गया ये वाला, दिस वन, है ना, कुछ आपको दिख भी नहीं रहे। 8 कॉर्नर्स हमारे पास होते हैं, तो मतलब 8 क्यूब्स हमारे पास कॉर्नर्स पे होंगे, राइट। अब देखो, इनकी खासियत क्या है, जो कॉर्नर्स क्यूब्स होते हैं इनकी खासियत क्या है, जो कॉर्नर क्यूब्स है उनके में 3 फेस दिखते हैं, राइट। क्योंकि देखो, एक तो आप इनका ऊपर वाला फेस देख पा रहे हो, ठीक है, एक आप इनका ये वाला फेस देख पा रहे हो, और एक जो आप इनका ये वाला फेस देख पा रहे हो, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें कि जो कॉर्नर क्यूब्स हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, तो वो हमारे पास कितने होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि ऐसे क्यूब्स जिनके 3 फेस हम देख सकते हैं, ठीक है, 3 फेस जो हम देख सकते हैं, 3 फेस इनके हिडन होंगे, 3 फेस आपको दिखेंगे, वो कितने होते हैं टोटल, दैट इज 8। ओके, और इसका आंसर हमेशा 8 रहेगा, ठीक है। चाहे आप 4x4 में देख लो, चाहे आप 5x5 में देख लो, जो कॉर्नर क्यूब्स हैं वो हमेशा आपको कितने दिखेंगे, 8 दिखेंगे, ठीक है। साथ साथ आप चीजें इमेजिन करने की भी कोशिश करना। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। ओके, सेकंड कंसेप्ट इसमें हमारे पास क्या है, मिडल क्यूब्स, ठीक है। तो इसको हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, मिडल क्यूब्स मतलब देखो, ये आपको जो मिडल में क्यूब्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, मिडल क्यूब्स, राइट। फर्स्ट होते हैं हमारे कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिडल क्यूब्स, राइट, जो कॉर्नर्स के बीच में आ रहे हैं ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट, आप ऐसे काफी सारे देख रहे हो। ओके, तो इसमें मिडल क्यूब्स की खास बात क्या है, इन क्यूब्स के आपको 2 फेस दिखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्यूब अगर आप देख लें तो इसका तो एक तो आपको ये वाला फेस दिख रहा है, ठीक है, एक आपको ये वाला फेस दिख रहा है, ठीक है, बाकी जो 4 फेस हैं वो आप अंदर छिपे हुए हैं, जो आपको नहीं दिख रहे, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिडल क्यूब्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास बात, है ना। अब देखो, जो कॉर्नर्स क्यूब्स हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 8 होंगे, राइट। जो मिडल क्यूब्स हैं वो आपको साइड्स में दिखेंगे, देखो एक साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं, एक,
ठीक है ना, इस साइड में भी आपको कितना देखा, ए है ना, ये साइड्स पे होंगे, है ना, क्योंकि इसके इसके साथ ही इसका जो फॉर्मूला है ना वो बनता है। ओके, तो अगर मतलब मैंने जनरल निकालना हो, ये तो 3x3 के लिए बीच में एक एक आ रहा है ना, सारी साइड्स में एक एक आ रहा है, तो टोटल मेरे पास 12 आ जाएंगे, राइट। पर इसका अगर जनरल फॉर्मूला अगर मुझे देखना है, तो वो जनरल फॉर्मूला जो है ये इसका क्या बन जाएगा, 12n-2, ठीक है ना, 12n-2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा जनरल, राइट, 12n-2, है ना। 12 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये साइड्स पे होते हैं, 12 हमारे पास साइड्स हैं, और एक साइड पे ये कितने होते हैं, n-2। n क्या होता है, उसका साइज है ना, जैसे 3x3 में n की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 3। 4x4 में जो n की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ओके, बैक टू द क्वेश्चन, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, मिडल क्यूब्स। ओके, तो जो 4x4 का जो क्यूब होगा, उसमें हमारे पास मिडल क्यूब्स या फिर ऐसे क्यूब जिसके दो फेस आपको दिख रहे हैं वो कितने होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, 12n-2, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो 12 × 2 वो हमें कितने दिखेंगे, 24। ओके, 24 क्यों, क्योंकि 4x4 में एक साइड पे आपको दो दिखेंगे ना, दो बीच में आएंगे मिडल में, राइट, इस तरीके से, है ना। लास्ट वाले हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या है, जो सेंटर में होंगे, जो बीच में होंगे ना, जैसे आपको ये वाला जो कलर है, ठीक है ना, ये वाला जो कलर है, ये आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब। ओके, और आप इसको क्या बोल सकते हो कि ऐसे क्यूब्स जिनका आपको एक ही फेस विजिबल है, राइट, क्योंकि ये एक ऐसा क्यूब है जिसका आपको एक ही फेस दिख रहा है ना, बाकी जो 5 फेस हैं वो अंदर हैं, राइट, जो आपको विजिबल जो है वो नहीं है। ओके, तो सेंट्रल क्यूब ना हमेशा आपको फेस पे दिखेंगे, जैसे ये पूरा फेस है, ठीक है, एक फेस पे हमें कितना नजर आ रहा है, एक, तो टोटल ये कितने आ जाएंगे, 6, 6 क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, राइट, एक पे अगर एक आ रहा है तो 6 पे 6 होंगे। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कैसे बनता है, 6, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, n-2 स्क्वायर, ठीक है ना, क्या जाएगा फॉर्मूला, 6n-2 स्क्वायर, है ना। n-2 स्क्वायर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं। अगर 3x3 होगा तो मेरे पास जो है बीच में एक आएगा, ठीक है, अगर 4x4 होगा तो मेरे पास बीच में 4 आएंगे, ठीक है, बीच में सेंटर में मेरे पास 4 क्यूब्स आएंगे ना, अगर 5x5 होगा तो मेरे पास बीच में 9 आएंगे ना, तो ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं, इसलिए n-2 स्क्वायर को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात होगी, राइट, ये कॉर्नर्स क्यूब होगी हमारे पास, ये मिडिल क्यूब्स होगी हमारे पास, ये सेंट्रल क्यूब होगी हमारे पास। अब लास्ट बात आती है, कुछ ऐसे क्यूब्स भी होंगे जो हमें विजिबल नहीं है, जो अंदर छिपे हुए हैं, राइट। अगर आप इस क्यूब की बात करें तो इसमें जो अंदर छिपा हुआ, जो आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, वो कितने क्यूब होंगे, जस्ट 1, एक ऐसा क्यूब होगा जो बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा, राइट, जो बिल्कुल बीच में होगा, राइट, सेकेंड लेयर के बिल्कुल बीच में। ओके, तो बिल्कुल बीच में जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसका हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, n-2 का क्यूब, राइट, क्योंकि ये हमेशा क्यूब की फॉर्म में होंगे। अगर 3x3 है तो ये मेरे पास 1 मिलेगा, ऐसा क्यूब जो नहीं दिख रहा बिल्कुल। अगर 4x4 है, ठीक है, तो ऐसा क्यूब जो मुझे नहीं दिख रहे वो कितने होंगे, 8। ओके, 5x5 में ये कितने हो जाएंगे, 27। ये हमेशा क्यूब की फॉर्म है ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इस तरीके से। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं क्यूब्स के बारे में। ओके, कि हमारे पास जो है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसके 3 फेस दिख रहे हैं, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसके 2 फेस दिख रहे हैं, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका 1 फेस दिख रहा है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, जिनका कोई भी फेस नहीं विजिबल, ठीक है। तो एक बार आप इन सबके फॉर्मूलेज एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला है क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 8 आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, राइट। और ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, गॉट इट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अलग टॉपिक है, ये तो डाइज आ गया, राइट। अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं, एक क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि इसका जो क्वेश्चन है वो हमने कैसे करना। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसे जो लास्ट हमने डिस्कस किया वो 3x3 के बारे में था, ये हमारे पास क्या है, 4x4 के बारे में, है ना। तो उसमें टोटल क्यूब्स हमारे पास कितने होंगे, 64 होंगे, ठीक है, 16 होंगे हमारे पास ईच लेयर में। ओके, इसमें भी जो 3 फेस दिख रहे हैं, है ना, इसका भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ऐसे फेस जिनके 3 फेस हमें, ऐसे जो क्यूब्स जिनके 3 फेस हमें दिख रहे हैं वो कितने होंगे, 8, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा कौन से होंगे, कॉर्नर क्यूब्स, राइट, तो कॉर्नर, ये हमेशा 8 आएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 2 फेस दिख रहे हैं, राइट, जिनके 2 फेस दिख रहे हैं, तो 4x4 में आपको एक साइड पे ऐसे 2 क्यूब मिलेंगे ना, इनको मिडिल क्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिनके आपको 2 फेस दिख रहे हैं, तो एक साइड पे 2 हैं, 12 साइड्स पे कितने होंगे, 24,
ठीक है, 24 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। जैसे अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसका आपको एक ही फेस नजर आ रहा है ना, तो जिनका एक फेस आपको नजर आ रहा है वो आपको सेंटर में दिखेंगे, तो सेंटर इसमें कितने हो गए थे, चार होते हैं सेंटर में, ठीक है। तो एक फेस में चार आपको दिख रहे हैं, तो जो सिक्स फेसेस है हमारे पास उसमें आपको कितने दिखेंगे, 24, ओके। और ऐसे कितने होंगे जिसको आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, राइट। तो यहां से अगर आप देखें तो ऐसे कितने क्यूब जिनको बिल्कुल नहीं देख सकते, फर्स्ट में तो सारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सेकंड लेयर में चार होंगे बीच में, है ना, ऐसे सेकंड लेयर में ना, और थर्ड में भी चार होंगे, चार और चार आठ, राइट। और इसके लिए जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया फॉर्मूला क्या है, एन माइनस टू क्यूब, ओके। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कैसे हमने क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट। क्या क्वेश्चन है, क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन वन फेस, एक फेस पे रेड कलर है, ग्रीन ऑन द ऑपोजिट फेस, रेड के ऑपोजिट वाले फेस में ग्रीन कलर है, येलो ऑन अनदर फेस, एक फेस पे येलो कलर है, एंड ब्लू ऑन द फेस एडजेसेंट टू येलो, है ना। तो येलो के जो एडजेसेंट है उस पे कौन सा कलर है, ब्लू। और दो ऐसे फेसेस हैं जिन पे कोई कलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास छह फेसेस होते हैं, चार पे कलर किया हुआ है और दो फेस जो है वो बिना कलर के हैं, और फिर उसको कट कर दिया गया 125 स्मॉलर क्यूब्स में इक्वल साइज में, ओके। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि जो क्यूब है वो कितने साइज का होगा ना, तो अगर देखो 125 में अगर इसको कट किया है, मतलब जो क्यूब है उसका साइज कितना होगा, 5y5, बिकॉज 125 किस नंबर का क्यूब होता है, 5 का, ठीक है। अगर यहाँ पे 64 होता तो हमारे पास साइज कितना होता, 4, क्योंकि 4 किसका क्यूब, 64 किसका क्यूब है, 4 का, ठीक है। अगर कोई और नंबर होता तो आपने देखना कि किस नंबर का क्यूब है, ओके। आई होप आपको 1 से लेकर 10 तक जो क्यूब्स हैं वो आने चाहिए, राइट। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम इसमें शो करते हैं, ये इस टाइप से आपको डायग्राम जो है वो दिखेगी, क्योंकि इसमें जो है ब्लू है एक फेस पे, राइट। थोड़ा सा मैं फिर से बताती हूँ, एक फेस पे ब्लू कलर किया हुआ है और ब्लू के ऑपोजिट, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लिया है ना, रेड था सॉरी, ठीक है, एक फेस पे रेड कलर है तो इसमें रेड कलर, रेड के ऑपोजिट, ठीक है। देखो रेड का जो ऑपोजिट है अभी हमें विजिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे हम तीन ही फेस देख सकते हैं ना, तो आप थोड़ा सा इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो ऑपोजिट फेस होगा ना, यहाँ पे आएगा जो, इस पे कौन सा कलर होगा, ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, राइट। एक पे ब्लू किया हुआ है, येलो किया हुआ है और येलो के एडजेसेंट में ब्लू, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ओके। और ठीक है, ये डायग्राम जो है वो 4x4 का बना हुआ है, मतलब आपको 5x5 की इसमें जो डायग्राम चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि 125 इसको स्मॉलर क्यूब्स में हमने जो है वो डिवाइड किया, तो एक बार हम जो है इसकी डायग्राम ले लेते हैं ना, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा ईजी हो जाता है समझना, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है डायग्राम के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो है जैसे रेड दे रखा ना, एक तो एक फेस पे रेड है, ओके, और रेड के ऑपोजिट में है ना, रेड के ऑपोजिट में ग्रीन फेस है ना, तो यहाँ से अभी तो विजिबल नहीं है, बट आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि इसके ऑपोजिट में जो फेस है उस पर ग्रीन कलर है, ओके। एक फेस पे हमारे पास येलो कलर है और येलो के एडजेसेंट में ब्लू कलर है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे फेस होंगे जिसपे कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। एक तो होगा येलो का ऑपोजिट, ओके, जो अभी हमें नहीं दिख रहा, तो येलो के ऑपोजिट में कोई कलर नहीं होगा, और एक जो है वो ब्लू के ऑपोजिट में हमारे पास कोई भी कलर इसमें नहीं होगा ना, तो जो बॉटम साइड पे जो फेस होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम करते हैं इसके 2-3 ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स आर अनकलर्ड ऑन ऑल द फेसेस, ठीक है, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिन पे कोई भी कलर नहीं किया हुआ। सबसे पहले ये इमेजिन कीजिए, एक तो बीच वाले क्यूब्स होंगे जिसपे कोई भी कलर जो है वो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि बीच वाले दिख ही नहीं रहे, तो उसपे कलर कैसे होगा, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल बीच वाले जो फेस है जो नहीं देख सकते, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n माइनस टू क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें n हमारे पास कितना है, 5 का ये क्यूब है, तो बीच वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5 - 2 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, जो कितना होता है, 27, ठीक है। तो 27 तो हमारे पास ये क्यूब होंगे बीच वाले जिसपे कोई भी कलर नहीं होगा। अब देखो 27 इसका आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ क्यूब्स ऐसे भी होंगे जिसपे कलर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें गिवन था कि टू फेसेस ऐसे हैं जिनपे हमारे पास कलर नहीं है ना, एक तो ये येलो के ऑपोजिट वाला, ठीक है, ये पीछे वाला, और एक हमारे पास ब्लू के ऑपोजिट वाला जो नीचे बॉटम पे है, राइट। अब देखो उसमें भी कुछ क्यूब्स होंगे जिनपे कलर नहीं है ना, तो देखो काउंट करते हैं कितने, देखो येलो के ऑपोजिट मतलब इस वाला, ठीक है, इसमें देखो हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका जो ऑपोजिट है हम मान लेते हैं कि ये है जिसपे कलर नहीं है,
इसके ऊपर वाले क्यूब आप छोड़ दोगे ना, क्योंकि ऊपर वाले पे तो ऊपर वाले फेसेस पे कलर है, ठीक है, आप इधर वाले छोड़ दोगे है ना, क्योंकि इधर भी रेड कलर है एक एक फेस पे, ओके, और आप इसमें जो है इस साइड वाला भी छोड़ दोगे क्योंकि इस साइड भी ग्रीन कलर है, ओके, तो ऐसे कितने होंगे जिसपे कोई कलर नहीं है, राइट, ये वाले सारे ना जो मैं यहाँ पे लाइन पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये वाले सारे है ना, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास अगर हम इनको काउंट करते हैं, ठीक है, नीचे वाला हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे साइड कोई कलर नहीं है ना, तो ये 12 हो जाएंगे हमारे पास है ना, ये 12 क्यूब्स हो जाएंगे जिसपे कोई भी कलर नहीं दिख रहा ना, तो ये मैं जो है इस ये जो येलो के ऑपोजिट वाले ना उसकी बात कर रहे हैं, तो 27 प्लस 12 ये हो गया, ठीक है। अब हम मैं कौन सा ले रही हूँ, नीचे वाला ना, क्योंकि नीचे वाला पे भी कोई कलर नहीं है ना, तो नीचे वाले को हम ये ब्लू मान लेते हैं ना, कि सपोज ब्लू है नीचे वाला, ठीक है, तो इसकी ये वाली लेयर आप छोड़ दोगे ना, क्योंकि इस पे ऊपर देखो कलर है, ठीक है ना, ये रेड कलर है, नीचे वाले में भी आप ये वाली लेयर भी छोड़ दोगे ना, क्योंकि इस पे येलो कलर है ना, ये वाली सारी लेयर भी छोड़ दोगे आप, राइट। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप इसमें एक तो नीचे वाली आपने लेयर छोड़ दी, ओके, ये वाली सॉरी, नीचे से ये वाली, ठीक है, एक आपने ये वाली इसमें छोड़ दी, ओके, और आप ये वाली लेयर भी छोड़ दोगे ना, क्यों, क्योंकि रेड के ऑपोजिट में ग्रीन कलर भी है ना, तो यहाँ पे पीछे ग्रीन कलर ये भी छोड़ देंगे हम, ओके, तो आप इसमें काउंट कौन से करोगे, ये 9, ठीक है, ये बीच में सेंटर में जो 9 आ रहे हैं वो आप इसमें काउंट करोगे ना, तो आप सोचेंगे कि ये वाला हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस साइड भी तो कलर नहीं है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं जब हमने येलो वाला किया, ठीक है, जब हमने येलो वाला किया तो वो ऑलरेडी हम उसमें काउंट कर चुके हैं, राइट, तो इसलिए हमारे पास ये टोटल कितने आएंगे, हमारे पास ये आएंगे 48, ऑप्शन सी जो है इसमें सही आएगा, राइट, आप इसको खुद से एक बार डायग्राम बना के देखें, ठीक है, और खुद एक बार इमेजिन कीजिए हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 48, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ब्लू ऑन वन फेस, ओके, रेड और ग्रीन ऑन द अदर फेस एंड हैव 4 अनकलर्ड फेसेस, ठीक है, तो ब्लू होना चाहिए एक फेस पे ऊपर, राइट, रेड और ग्रीन है ना, इसमें चॉइस है, या तो रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है दूसरे फेस पे, और 4 ऐसे फेस होने चाहिए जिन पे कोई कलर ना हो, ओके, तो अगर हम देखें कि रेड तो होना चाहिए ना, सॉरी ब्लू तो होना चाहिए, राइट, तो ये ऊपर वाला ब्लू है, ओके, तो इसमें से हमारे पास कितने आ जाएंगे, रेड एक फेस पे, ब्लू जो है, सॉरी ब्लू एक फेस पे, रेड एक फेस पे, राइट, तो इसमें हम कौन से ले सकते हैं, राइट, तो इसमें हम ले सकते हैं ये 4 ऊपर वाले, ठीक है, ऐसे क्यों, क्योंकि इसके एक फेस पे हमारे पास ब्लू है ऊपर, एक फेस पे हमारे पास रेड है, और बाकी है ना, क्योंकि इस येलो के ऑपोजिट इस साइड वाले फेस पे तो कोई कलर ही नहीं है ना, तो बाकी 4 पे कोई कलर नहीं होगा ना, तो ये 4 हम ऊपर से काउंट कर लेंगे, ठीक है, और 4 ही हमारे पास जो है रेड और ग्रीन ऑन द अदर, ठीक है, 4 जो है वो हमारे पास किस साइड से आ जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, उसमें क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास रेड ऑन वन फेस एंड ग्रीन ऑन द ऑपोजिट फेस, ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये वाले फेस पे, राइट, तो ये जो पीछे साइड है वो हमारे पास ग्रीन कलर है, ओके, तो हमारे पास इसमें ब्लू ऑन वन फेस और ग्रीन वाले ना, पहले देखो पहले हम काउंट कर रहे हैं जिसपे एक पे ब्लू आ रहा है एक पे रेड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेड और ग्रीन में चॉइस है, फिर हम काउंट कर रहे हैं एक पे ब्लू जिसके आ रहा है और एक पे जिसपे ग्रीन आ रहा है, ठीक है, ये वाले हम काउंट कर रहे हैं, ओके, तो ये वाले भी 4 आप ले लोगे, ठीक है, क्योंकि इस पे एक फेस पे हमारे पास ब्लू आ रहा है और दूसरे फेस पे हमारे पास ग्रीन आ रहा है और इस साइड तो कोई कलर है ही नहीं, है ना, तो 4 इस साइड से आ जाएंगे, 4 उस साइड से आ जाएंगे, टोटल हमारे पास ये कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 8 आएगा, ओके, हो सकता है आपको पहली बार में ये समझ आए, थोड़ा सा इसको कोशिश करें आप समझने की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओके, ये क्यूब्स एक्चुअली मैंने 4x4 का ले लिया, एक्चुअली मुझे 5x5 के इसमें लेना था, ठीक है, तो हम पिछले क्यूब से सॉल्व करेंगे इसको, अगला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड रेड ऑन वन फेस एंड हैव द रिमेनिंग फेसेस अनकलर्ड, है ना, ऐसे कितने होंगे जिसपे एक फेस पे आपका रेड कलर हो और बाकी के जो 5 फेस है वो अनकलर्ड हो, है ना, तो रेड हो एक फेस पे, ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा दूं, यहां से देखिए एक फेस पे रेड होना चाहिए और बाकी 5 पे जो है वो अनकलर्ड होने चाहिए ना, तो रेड वाले ये ऊपर वाले तो आप ले नहीं सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वाले फेस पे ब्लू कलर है ना, आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक फेस पे रेड होना चाहिए, बाकी 5 पे कोई कलर ना हो, है ना, तो इसमें ऊपर वाले नहीं आप लोगे, ठीक है, आप जो है इस साइड वाले भी नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि इधर येलो कलर है, ठीक है, इधर आपको येलो कलर इसमें दिख रहा है, ओके, तो इसमें हम कौन से क्यूब जो है वो कंसिडर करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास कंसिडर होंगे ये वाले क्यूब्स, राइट,
क्योंकि जो हमारे पास ब्लू है, ठीक है, एक बार हम देखें, इसके बैक साइड में ग्रीन कलर है, राइट, इसके बैक साइड भी ग्रीन कलर है, बाकी इस साइड भी कोई कलर नहीं है और नीचे भी कोई कलर नहीं है ना, नीचे भी कोई कलर नहीं है। इसमें हमारे पास कौन से आ जाएंगे, यहां से अगर हम काउंट करें तो ये सारे क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। एक बार कलर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि रेड रेड हो रहा है। सो ये वाले सारे, ठीक है, ये वाले जो सारे क्यूब्स हैं, इसमें सिर्फ एक एक फेस पे रेड कलर है और बाकी जो सारे फेसेस है उस पर कोई कलर नहीं है ना, क्योंकि इस साइड भी कोई कलर नहीं है, नीचे भी कोई कलर नहीं है। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16। ओके, तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसमें हमारे पास एक में रेड है और बाकी जो फेस है उस पर कोई कलर नहीं है, दैट इज 16, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट वन ग्रीन फेस, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसमें कम से कम एक में जो है वो ग्रीन फेस है। तो कम से कम एक ग्रीन फेस वाले, ग्रीन कौन सा, ग्रीन कहां पे था, इसके रेड के बैक साइड में ना, रेड के ऑपोजिट में। तो रेड के ऑपोजिट में हमारे पास कितने हैं टोटल क्यूब्स जिसपे ग्रीन आपको दिख रहा है, 25, ठीक है। कम से कम एक फेस पे ग्रीन हो, ऐसे कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। एक पे ग्रीन हो सकता है, बाकी पे कोई भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पे ग्रीन होना चाहिए। तो वो हमारे पास कितने हैं, 25, ऑप्शन डी, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट टू कलर्ड फेसेस, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसपे कम से कम दो फेसेस पे जो है वो कलर है, ठीक है। तो देखिए, कम से कम दो फेसेस पे जो है कलर है, एक बार ऑप्शंस भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन इसमें आपके क्या क्या आ रहे हैं, 23 आ रहा है, 21 आ रहा है, 20 आ रहा है, 19 आ रहा है ना। तो देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं, ये डायग्राम आपके पास, तो कम से कम दो फेसेस पे कलर है, ठीक है। कौन कौन से काउंट करेंगे, देखो कम से कम दो मतलब तीन पे भी कलर हो सकता है, राइट, तीन पे भी कलर हो सकता है, कलर चार पे है, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, रेड के ऑपोजिट में कलर है ग्रीन, ओके। देखो कौन से वाले काउंट करेंगे हम, ओके, ये ऊपर वाली लेयर आ जाएगी आपकी पूरी, ठीक है, पूरी ऊपर वाली लेयर आ जाएगी ये वाली, क्योंकि इस पे दो पे कलर है, राइट, इस पे तीन पे कलर है ना, तीन वाला भी ले सकते हैं, एटलीस्ट दो की बात हुई है। और इसके साथ ही आप जो है और कौन सा इसमें ले सकते हैं, ये वाला सारा भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सारा भी आ जाएगा इसमें। तो अभी तक कितने हो गए, पांच इधर से हो गए, चार इधर से हो गए ना, अभी तक कितने हो गए, 9 हो गए हमारे पास, ओके। ऐसे ही इस साइड से भी आ जाएंगे, ठीक है ना, इस साइड से भी चार आ जाएंगे जिसपे दो फेसेस पे आपको कलर नजर आ रहा है, ओके, और इसके लास्ट जो कॉर्नर होगा उस पर तीन पे कलर है ना। तो इस साइड भी कितने आगे, चार आगे, ठीक है। अभी तक कितने हो गए हमारे पास, 13 हो गए, ठीक है। यहां से भी चार आ जाएंगे जिसपे दो फेस पे आपको कलर दिखेगा, एक पे येलो कलर और उस साइड पे ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहां से भी कितने हो गए, 4, 17 हो गए अभी हमारे पास, राइट, ठीक है। अब देखो और कौन सा हमारे पास बचा, जो ये पीछे वाला ना, ऊपर जिसके ब्लू है और ये जो रेड के बैक साइड वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसपे भी हमें जो है, इसमें से भी हम कितने ले लेंगे, 4 ले लेंगे, जिसपे दो फेस पे कलर हुआ पड़ा है, राइट। तो 21 जो है ये हमारे पास आएंगे, जिसपे हमारे पास एटलीस्ट दो फेस पे कलर है, एटलीस्ट मतलब दो फेस पे तो कलर है ही है, तीन भी इसमें हम काउंट करेंगे ना, बाकी और चेक कर सकते हो कि और कोई इसमें लेफ्ट तो नहीं रहा, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको डायग्राम गिवन नहीं होगी, डायग्राम आपको खुद बनानी पड़ेगी और उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चन आपको जल्दी से ना समझ आए, ठीक है, बट इसको आप एक बार फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपको समझ जरूर आएंगे, राइट, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।